सुप्रभात बच्चों, तो आज अपन तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपने दूसरा पार्ट पढ़ा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, प्रश्नोत्तर भी आपने कर दिए। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हिंदी का। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? नए राजा का चुनाव, यानी कि उस राज्य का राजा बूढ़ा हो जाता है और अपने राज्य को संभालने के लिए नए राजा का चुनाव करता है। तो वो कैसे करता है, वो अपन इस कहानी में पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था, यानी कि बहुत ही पुरानी पुरानी बात है। पूर्व यानी कि अपनी जो दिशाएं है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वैसे पूर्व का एक देश था, उसका एक राजा था, वो अब बूढ़ा हो गया था। उनके बच्चों में से कोई योग्य नहीं था कि राज्य संभाल सके, यानी कि राजा के जो बच्चे थे उनमें से कोई भी इतना योग्य नहीं था कि वो राज्य चला सके। नए राजा के चुनाव के लिए राजा ने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया, यानी कि अब राजा को क्या था कि चिंता थी कि उनका जो जो पुत्र थे उनके, वो तो कोई भी इतने योग्य नहीं थे, समझदार नहीं थे कि वो राज्य चला सके। तो उन्होंने क्या किया, जो राज्य के किशोर थे यानी कि छोटे बच्चे थे, जो 12 साल से 18 या 19 या 20 साल तक के बच्चे थे, उनको सबको बुलाया। उन सभी को एक एक बीज दिया और बोला इसको सभी अपने घर पर गमले में उगा देना। तो देखो क्या किया उन्होंने कि नया राजा चुनने के लिए उन्होंने एक परीक्षा रखी, जिसमें सभी किशोरों को बुलाया और एक एक बीज दिया उनको और बोला कि अपने घर में गमले में ये बीज उगा देना। साल भर बाद ये गमला लेकर मेरे पास लेकर आना, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको राज्य का राजा बना दिया जाएगा। यानी कि उनको बोला कि आपके घर के अंदर गमले के अंदर ये बीज उगा देना, एक साल बाद में ये गमला लेकर मेरे पास आना, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं राज्य का राजा बना दूंगा। लियांग ने भी अपना बीज गमले में बो दिया, यानी कि एक लियांग नाम का बच्चा भी था उनके साथ में, तो उसने भी अपना बीज है जो उसमें सब बच्चों ने बोए और उसने भी अपना बीज बो दिया। गमले में प्रतिदिन पानी डालता रहा लेकिन अंकुर नहीं फूटा, यानी कि लियांग ने क्या किया, सबने भी बोया और सबके पौधे तो उग गए, लेकिन लियांग भी प्रतिदिन पानी देता रहा लेकिन लियांग का बीज है जो अंकुरित नहीं हुआ, यानी कि पौधा नहीं बना। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, हमारा पौधा इतना बड़ा व सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि गांव के सारे बच्चे, राज्य के सारे बच्चे आपस में मिलते और बातें करते कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया। लेकिन लियांग जो उदास था, उसका बीज अभी तक भी अंकुरित नहीं हुआ था, 7-8 सप्ताह बीत गए थे, फिर भी उसका बीज से पौधा नहीं बना था। तो फिर आगे क्या होता है, लियांग को लगा उसने बीज को अच्छी तरह से नहीं बोया, यानी कि लियांग को क्या लगा कि मेरा पौधा नहीं उगा, इसलिए न उगने का क्या कारण है, या तो मैंने अच्छी तरह से उसको बीज को बोया नहीं है या फिर उसको टाइम पे पानी नहीं दिया है। जब समय पूरा हुआ तो सारे बच्चे राजमहल में जाने की तैयारी करने लगे, यानी कि जब राजा ने बोला था ना कि एक साल बाद में सब ये गमला लेकर मेरे पास आना, तो वो जब समय पूरा हो जाता है तो सब बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लियांग ने अपनी माँ से कहा वह खाली गमला लेकर नहीं जाएगा। लियांग अपनी माँ से क्या बोलता है कि वो खाली गमला लेकर राजा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बीज है जो अंकुरित हुआ ही नहीं था। माँ के समझाने पर लियांग सभी बच्चों के साथ राजमहल पहुंचा, यानी कि माँ ने उसको समझाया कि आप जाओगे, राजा के कहने का आदर करोगे, तो आप है जो खाली गमला लेके जाओ और राजा को बोलो कि मैंने बीज बो दिया था और टाइम टू टाइम उसको पानी भी दिया था लेकिन ये बीज अंकुरित नहीं हुआ। तो माँ के कहने पे लियांग मान जाता है और सभी बच्चों के साथ में खाली गमला लेके चला जाता है। राजा ने सारे गमले देखकर कहा आपने बहुत सुंदर पौधे उगाए हैं, सबको क्या बोला, आपने बहुत ही सुंदर पौधे उगाए हैं। लियांग का खाली गमला देखकर राजा ने कहा यही राज्य का राजा बनेगा, यानी कि लियांग का खाली गमला देखते ही राजा ने क्या बोला कि यही राज्य का राजा बनेगा, उसका कारण देखो। एक साल पहले मैंने जो आपको बीज दिए थे वो उबाल कर दिए थे, उनमें बीज अंकुरित नहीं होते। राजा ने क्या कहा कि जो मैंने एक साल पहले सारे बीज दिए थे ना आपको, वो उबाल करके दिए थे और उबले हुए बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं। आप सबने अपने बीज बदल कर बोए लेकिन लियांग ने वही बीज बोया जो मैंने दिया था। राजा ने क्या कहा कि आप सबने तो क्या किया, बीज बदल दिए, और लियांग ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और बीज बदला नहीं।
लियांग ने ईमानदारी का परिचय दिया, अतः लियांग ही इस राज्य के लिए ईमानदार राजा हो सकता है। राजा ने क्या कहा कि लियांग ही वो ईमानदार व्यक्ति है जो इस राज्य के लिए राजा बन सकता है या मेरे बाद इस राज्य को संभाल सकता है। इस कहानी से अपने को यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन अपने को काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। तो इस पाठ से अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए फिर भी अपने को अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब इनके अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कठिन शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः दो बार लिखिए, यानी कि इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हुए, यानी कि जो अपने को लिखने और पढ़ने में कठिन है उनको क्या करना है, अपने को दो बार वापस लिखना है। जो अपने को खाली स्थान दिख रहा है ना, ये इसमें दो बार लिखना है, जैसे प्रजा, इसमें प्रजा और प्रजा, इसको बोल बोल के अपने को लिखना है। योग्य योग्य योग्य, घोषणा घोषणा घोषणा, वैसे ही सन, वैसे ही अंकुर, वैसे ही सच्चाई, फिर किशोर, फिर चर्चा, इन सबको आपको बोल बोल के लिखना है। आगे देखो, खाली जगह भरो, खाली जगह में आपको क्या क्या भरना है, गमला, बीज, सन, सुखी, किशोर। तो पहला अपना देखो, प्रजा को कौन खाली स्थान रखेगा, यानी कि प्रजा को कौन सुखी रखेगा, दुखी रखेगा, क्या है वो चीज इसमें आपको पढ़नी है। उसके बाद में है, राज्य के सभी खाली स्थान को बुलाया। आगे देखो, घर जाकर सभी ने खाली स्थान को बो दिया। वह खाली, आगे खाली स्थान लेकर राजमहल की ओर चल दिया। पांचवा क्या है, सभी बच्चे खाली स्थान रह गए, यानी कि खाली स्थान के अंदर आपको इस कोष्टक में से जो भी ये पांच दे रखे हैं आपको उनमें से भरना है। हाँ, तो अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, यानी कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। पहला है अपना, राजा द्वारा दिए जाने वाले विशेष बीज कैसा था, यानी कि जो राजा ने जो बीज दिया था उन बच्चों को, किशोरों को, वो मतलब कैसा था, सामान्य बीज था या उबला हुआ था, वो आप अपन ने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको भी अच्छी तरह से ध्यान है। अगला है अपना, लियांग में मौजूद गुण थे, यानी कि लियांग एक बच्चा था, आपको पता है बाकी सारे बच्चों के बीज तो उग गए थे, अंकुरित हो गए थे, पौधे बन गए थे, लेकिन लियांग का जो गमला था वो खाली रह गया था। उसने टाइम से बीज को बोया, टाइम से पानी दिया, फिर भी उसका बीज है जो अंकुरित नहीं हुआ था वो लियांग है। तो अब लियांग के अंदर कौन से गुण थे वो आपको बताने, चतुराई या बुद्धिमानी, और या फिर ख में क्या ऑप्शन है, साहस या सच्चाई। थैंक यू।